ये भाजपा का दो करोड़ का बाधा करके पकोड़ा छनाए वाला ने कार्यक्रम में तेजस्वी जी का परन न है बेरोजगारी का सवाल पर न वोट मिला ना तो है बिहार में कल लोक अदालत लगाए हुए सब तो के दाव उनकी बात, बात पूर्व मुख्यमंत्री मुख अरे ठीक है पूर्व मुख्यमंत्री जिंदाबाद करेंगे उन्हें भाजपा हड़काया कि एक सीट मिलेगा वो अभी मिलेगा भाजपा से मिलेगा आपके बेटा को कहला है सब चक्कर में है तो उसके बाद में हैं आओ पैसा लिए थे आपके सरकार वाले नौकरी बिहार में कोई ऐसा टाल नहीं बना जो तेजस्वी यादव को कोई खरीद सके आरोप तो लग रहा सर सीधे बोल रहे हैं विजय कुमार सिंह घोर मट्ठा वाला है हाँ। क्या क्या, क्या किया थे? श्रम संसाधन में पता कर लीजिए सोटा लेके रखे क्या गाँव में कौन? जनता दिखाई पड़ेंगे बाई या जेड अबाई पर चॉकलेट की तरह भाजपा के नेताओं को बांट रही है केंद्र की हुकूमत गृह मंत्रालय ये भाजपा वाला बात कर रहे हैं मुख्य कानून कार्पोरेट जगह से उठा उठा के भर्ती करा आर एस एस के लोगों को लिए आर एस एस किसका है अरे ये तो नौकरी संकल्प और प्रण था ना तेजस्वी जी का नीतीश जी का नेतृत्व तो पूरा हुआ देखे ना सभी लड़कियां लड़के तो भाजपाई सरकार को भी नसीह दे रहा था तेजस्वी से सीखिए भाजपा समझ में आवेगा अभी बुझाएगा अभी जब सतवा जाएगा तब ना मुंह छुपा कर रुमाल पर मुंह पर रुमाल रख घर में रखल चलेगा कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोग नौकरी ले जा रहे हैं बिहार से यहाँ से डोमोसाइल बिहार बिहारी लोग आए हैं है हाँ। डोमोसाइल में ना भी ना होता है हाँ। जानकारी है इन लोगों को जी तो हाँ। छाती का ना फट रहा कुछ यहाँ मिलना है भाजपा को क्या मिलना है बता दीजिए जीताराम मांझी के मुख्यमंत्री रहते भर में मंदिर धो देता जाने के बाद वही संस्कृति द्वारा एक लाख बीस हजार शिक्षकों को नियुक्ति किया गया लेकिन जो विपक्ष है सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है और कई नेता हैं ऐसे भाजपा के वो आरोप लगा रहे हैं कि इन लोग पैसे लेकर के नौकरी हमारे साथ इस बीच बात करने के लिए मुख्य प्रवक्ता राजद के शक्ति सिंह यादव है, है। सम्राट चौधरी जो दसवा के बाद सतमा पास किया वो जो दसवा के बाद सतमा पास किया उसको नौकरी कैसे मिलता क्या पता जी जो में विश्वविद्यालय ही नहीं है विद्यालय ही नहीं है उस विद्यालय से कोई पास करे सर्टिफिकेट लाए तो क्या पता है कि नौकरी कैसे मिलती है अरे नौकरी मिलती है संकल्प से मेहनत से बच्चे ने मेहनत किया बीपीसी क्वालिफाई किया और लोग टीचर बने ये भाजपा का दो करोड़ का वादा करके पकौड़ा छनाए वाला ने कार्यक्रम में तेजस्वी जी का परन है बेरोजगारी का सवाल पर नोट वोट मिला है बिहार में वो संकल्प पूरा हो रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में छाती का फट रहा है कुछ यहाँ मिलना है भाजपा को क्या मिलना है बता दीजिए सोटा लेके रखे देगा गांव में कौन? जनता दिखाई पड़ेंगे जेड या जेड बाई पर चॉकलेट की तरह भाजपा के नेताओं को बांट रही है केंद्र की हुकूमत गृह मंत्रालय अब बड़े बड़े नेता को नहीं मिल रहा है अमन्नी अच्छा छाप को मिल रहा है सबको तो उसे वोट मिलता है प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता को दे दीजिएगा जेड आयु से वोट मिल जाएगा अरे ये तो नौकरी संकल्प और प्रण था ना तेजस्वी तो जी का नीतीश जी नेतृत्व पूरा हुआ देखे ना सभी लड़कियां लड़के तो भाजपाई सरकार को भी न सिद्ध दे रहा था तेजस्वी से सीखिए तो सन्नी वाला चैनलों पर चल रहा था कि जो है जोगी को सीखना चाहिए तो भी जी से नौकरी कैसे दिया जाता है काम कैसे किया जाता है पूरे देश में सवाल खड़ा होगा जो कल एक लाख बीस हजार नियुक्ति पत्र बटा तो देश के लोगों को एक मैसेज गया देश के युवा अपने सरकारों से सवाल पूछेगी कि भाई जब बिहार जैसा राज्य इतने बड़ा एक कोई माई कलाल धरती पर आकर के सिद्ध कर दे किसी ने अनैतिक रूप से बहाली ले ली है उसकी जांच होगी वो जेल के सलाखों में जाएंगे कार्रवाइया होगी ये भाजपा वाला बात कर रहे हैं मुख्य कानून कॉर्पोरेट जगह से उठा उठा के भर्ती करा आर एस के लोगों को उसको लिए आर एस किसका है जी जाति विशेष का है चित्तावन संस्कृति का है बाकी लोग नहीं है क्या उसमें बाकी लोग बनने लायक नहीं है संघ प्रमुख वैसे ट्रेन लेकर आया है जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री रहते भर में मंदिर धो देता जाने के बाद वही संस्कृति भज पाई सब है न दलित से प्रेम पिछड़ा से प्रेम। क्या जी के प्रेम इन लोग का है इन लोग को प्रेम है कारो, दो हमारे दो से जरा क्रिकेट का, का कहरा गया नहीं हुआ अध्यक्ष बन गया जितना राम तो कल लोक अदालत लगाए हुए थे सब अभ्यर्थी तो उनकी बात सुधु का दूध भात है यार उनका उम्र हो गया पूर्व मुख्यमंत्री अरे ठीक है पूर्व मुख्यमंत्री सुबह क्या बोलेंगे शाम क्या बोलेंगे खुद ही नहीं पता कभी नीतीश जी की जिंदाबाद करेंगे कभी लालू जी की जिंदाबाद करेंगे उन्हें भाजपा भी हड़काया कि एक सीट मिलेगा वो अभी मिलेगा भाजपा से मिलेगा आपके बेटा को कहलाय सब चक्कर में है तो उसके बाद में तबाव थोड़ा था गड़ा गए हैं तो सब चूंकि उनके लिए हम लोग सम्मान करते हैं दूध भाते उनकी बात को गंभीरता से मान लीजिए आदरणीय मांझी जी जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं हाँ दूध भात मैंने उनकी बात को गंभीरता से मतलब हल्के में हल्का में नहीं अब बेचारा जिस उम्र के पर चल गए हैं थोड़ा सा कमी है या दास उदास बिहार में कोई ऐसा टेक्साल नहीं बना जो तेजस्वी यादव को कोई खरीद सके आरोप तो लग रहा है सर सीधे बोल रहे विजय कुमार सिन्हा नेता ये तो खुद ही सब घोर मट्ठा वाला है क्या क्या थे श्रम संसाधन में पता कर लीजिए क्या करते हैं भाजपा वाले भाजपा तो वही काम है क्या काम चंदा लो चंदा वसूलो इन्हें जाओ जाओ ने जाओ कॉर्पोरेट जगत को उधर करो उधर करो यही काम है भाजपा का मतलब ही क्या है भारत जनता पार्टी जुमला पार्टी उन्मादी पार्टी तलवार तलवार बांटने वाला पार्टी हिंदू मुसलमान करने वाला पार्टी रोजगार वाला पार्टी नौकरी देने वाला कार्यक्रम है किसान मजदूर नौजवान की बात करने वाले तो अग्निवीर वाला है ना इन लोग मतलब नफरत की राजनीति करता है हम तो सबको एक साथ लेकर चलते जितने नियुक्ति लेने वाले थे हर जाति धर्म मजहब के लोग थे तेजस्वी तो जी ने जाति का दीवार तोड़ा बेरोजगारी का सवाल खड़ा कर करके भाजपा को समझ में आएगा अभी बुझाएगा अभी जब सतवा जाएगा तब ना मुं छुपा कर रुमाल पर मुंह मुंह पर रूमाल रखकर घर में घुसल चलेगा कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोग नौकरी ले जा रहे हैं बिहार से यहाँ से डोमिसल बिहसी परसेंट बिहारी लोग आए हैं डोमोसाइल हाँ। में न भी ना होता है हाँ। जानकारी है इन लोगों को जी हाँ। कि नब्बे परसेंट बिहारी अठासी परसेंट बिहारी आया है आई भारत की तस्वीर भी इसमें आई है सिर्फ खाली बगल में उत्तर प्रदेश झारखंड नहीं है महाराष्ट्र कर्नाटका केरला भी है दिल्ली और दिल्ली भी है चलिए तो देखिए ये थे मुख्य प्रवक्ता राजद के शक्ति सिंह साहब दे भाजपा वाले को क्या पता जो सम्राट चौधरी का इन्होंने जिक्र किया है कि उन्होंने मैट्रिक पास भी नहीं किए मैट्रिक पास करके सतवा में एडमिशन ले लिए हैं ये सारे आरोप लगा रहे हैं और उन्माद फैलाने का भी भाजपा पे आरोप लगाए हैं और ये रोजगार की बरसात हो रही है ये शक्ति सिंह यादव कर रहे हैं। बहरहाल हमारी बातचीत में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे काउंट ऑप्शन दे फेसबुक पे देखने वीडियो को शेयर कर ले यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद